तीज का त्योहार आ गया और पार्लर भी नहीं जा सकते, तो ऐसा क्या करें घर पर ही जो हम सबसे सुंदर दिख सके। ये तो हम गर्ल्स का है कि उस दिन हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हम ही सबसे सुंदर दिखे। तो अगर आप भी ये टेंशन में हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। मैं हूँ ममता और आप देख रहे हैं ममता इन्फॉर्मेशन। आज मैं ऐसा फेसियल लेके आई हूँ जिसको करके आप तुरंत निखार पा सकते, एकदम पार्लर जैसा निखार पा सकते। और इस फेस गोल्ड फेसियल की खास बात ये है कि एकदम नेचुरल है, एकदम नेचुरल चीज़ों से बना है, तो इसको इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन आप इसको एक बार पैच टेस्ट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कोई चीज़ें हमें मालूम नहीं होती कि वो हमें सूट नहीं करती है, तो प्लीज पैच टेस्ट कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फर्स्ट स्टेप है क्लीनिंग। क्लीनिंग के लिए मैंने कच्चा दूध लिया था, उसमें मैं नमक डाल रही हूँ, सादा नमक, और इसको देन मिक्स कर ले रही हूँ कच्चा दूध और नमक को। ये कच्चे दूध में नेचुरल प्राकृतिक क्लींजर होता है ये हमारे इसको अंदर से हमको डीप क्लीन करेगा। और हाँ, पहले अपने चेहरे को साफ फेस वाश से कर लीजिएगा, फिर यहाँ आके ये क्लींजिंग करेगा। क्लीनिंग अच्छे से कर लीजिए, देन इस तरह आप करके मसाज करके आप क्लीनिंग कर लीजिए, फिर इसको सूखने दीजिएगा, धुलिएगा मत। इस तरह का सूखने दीजिएगा, अपने स्किन पे मिल जाए, फिर हम फिर स्टेप सेकंड करते हैं। ये है स्क्रब। स्क्रब बनाने के लिए हमने लिया है चीनी, फिर इसमें डालूंगी मैं हनी। एक चम्मच चीनी लिया है और एक चम्मच के करीब हनी ले रही हूँ, और एक चम्मच मैंने चावल का आटा लिया है, पिसा हुआ चावल का आटा। आपके पास है तो ले लीजिए, नहीं तो चीनी ही ले सकते हैं या चावल का आटा, दोनों में से एक ले सकते हैं, चाहे दोनों ले सकते हैं। फिर मैंने इसमें नींबू डाल दिया था, उसको देन मैं मिक्स कर ले रही हूँ। इस तरह से कुछ इसका कलर आ गया है। और स्क्रब करने से पहले मैं स्टीम कर रही हूँ। स्टीम के लिए मैंने इसमें ग्रीन टी का लिप्स, जो ग्रीन टी पे था वो फाड़ के मैंने एक पैकेट डाल दिया था, और इससे हम स्टीम कर रहे हैं सच में गाइस, बहुत इफेक्टिव स्टीम है। अगर आप स्टीमर नहीं है तो आप इस तरह से पानी लीजिए, गुनगुना पानी होना चाहिए, गर्म पानी नहीं होना चाहिए, गुनगुना पानी होना चाहिए, जितना आप सह सके उतना पानी होना चाहिए। फिर मैंने एक साफ टॉवल लिया था और इसको डेप करके मैं अपने स्किन पर इस तरह इसको रख लूँगी। मेक श्योर आप गुनगुना होना चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए प्लीज़। और फिर आप इस तरह से ले सकते हैं, आप चाहे तो गुनगुने पानी से अपने ढक के चेहरे से ऐसे भी भाप ले सकते हैं, इस तरह भी भाप ले सकते हैं। और जो भी हम स्टीम करते हैं, जो भी हमारा पोर्स होता है स्टीम से, वो पोर्स खुल जाता है, तब जो हम लोग मसाज करेंगे स्क्रब करेंगे तो वो पोर्स खुल जाएगा और वो जो ब्लैक एंड व्हाइट रहते हैं वो तब निकाल। अब उसके बाद मैं क्या करूँगी, एक टमाटर लूँगी, इसको कट करके टमाटर पे वो जो स्क्रब बनाया हमने उस पर रख करके फिर इसको उससे स्क्रब करेंगे। सच में गाइस, आप इस तरह से प्लीज़ ट्राई करिएगा, ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव स्क्रब होगा। जो भी हमारी डेट लेयर होती है वो रिमूव हो जाएगी, ब्लैक एंड व्हाइट सारे निकल जाएंगे, और ये जाके अंदर से आवा स्किन को ग्लो करेगा। चीनी और जो चावल का आटा हमने डाला है वो हमारी स्किन को डीप क्लीन करेगा, और चावल का आटा एंटी एजिंग भी होता है, तो ये दोनों ही हमारे लिए बेनिफिट है। फिर मैं स्क्रब करते करते स्टीम भी ले रही हूँ। आप स्क्रब करके स्टीम साथ में दोनों लेंगे, सच में गाइस आप इस तरह प्लीज ट्राई करेगा, बहुत इफेक्टिव होता है, बहुत ही बेनिफिट होता है। फिर मैंने अपने चेहरे को धुल लिया था और फिर मैं इस तरह से फिर स्टीम लूँगी, अगेन स्टीम लूँगी, तीन बार मैं स्टीम लूँगी, एक स्क्रब करने से पहले, स्क्रब करते समय और स्क्रब करने के बाद। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप इस तरह से भी स्टीम ले सकते हैं, बहुत ही बेनिफिट है, बहुत ही बेनिफिट है। ये देखिए मेरी स्किन पहले से बहुत ग्लोइंग हो गई सिर्फ एक स्टीम से। फिर हम चलिए करते हैं मसाज। मसाज क्रीम के लिए हमें चाहिए एलोवेरा जेल, नारियल का तेल और विटामिन ई, नींबू, शहद, आप ये सबको ले लीजिए, एक एक चम्मच करके बराबर मात्रा में आप इसको ले लीजिए, जितना आपको बनाना है एक एक चम्मच, एक पर्सन के लिए बस है, एक एक चम्मच सारा चीज़ डाल दीजिए इसमें और फिर मिक्स कर लीजिए अच्छे से। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है मसाज। मसाज हमारा फेशियल का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इससे हमारा ब्लड सर्कुलर बढ़ता है, जो हमारी स्किन लटक जाती है तो इसमें टाइटनेस लाता है, इसको ब्राइट बनाएगा, लाइट बनाएगा हमारी स्किन को, तो हमारी स्किन के अंदर जाके हमारी स्किन को डीप क्लीन करेगा। तो इसलिए मसाज वेरी इफेक्टिव होता है, मसाज जरूर करना चाहिए। आप जैसा मैं बता रही हूँ आप उस तरह से मसाज कर सकते हैं, बहुत इफेक्टिव है, आप प्लीज़ इस तरह से ट्राई करिएगा। मेरे बताए हुए कहने से आप प्लीज़ एक बार इस तरह से ज़रूर करिएगा। और मसाज मैं कम से कम 10 से 15 मिनट तक करूँगी।
मसाज कम से कम 10 से 15 मिनट तक करना चाहिए, और जब तक मसाज कर रही हूँ तब तक मैं इसके बेनिफिट बता देती हूँ। नींबू जो होता है, नींबू हमारी स्किन के में विटामिन, नींबू में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारी स्किन को ग्लो बनाता है, पिंपल्स वगैरह को आने से रोकता है, हमारे इसके रंग को निखारता है, ताकि हमारे जो भी कालापन हो गया है उसको दूर करता है, उसमें दूर करने में मदद करता है। जो एलोवेरा नहीं मिला है, एलोवेरा हमारी स्किन के डननेस को दूर करता है, हमारी स्किन को स्मूथ बनाता है, क्रिस्टल क्लियर बनाता है, नरिश करता है, और अकेले इनमें अकेले अनेकों काम है जो हमारी स्किन के लाइट ब्राइट स्मूथ ग्लो इतने सारे मतलब अनेक काम है इसके, ये हमारी स्किन में जाके करता है। और जो भी हमने इसमें शहद डाला था, शहद हमारी स्किन को लाइट बनाता है, हमारी स्किन को ब्राइट बनाता है, और जो चमक होती है स्किन में वो शहद वो चमक लेके आता है हमारी स्किन के, हमारी स्किन जो डल हो जाती है बहुत ही पहले से उसको ब्राइट बनाता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इफेक्टिव है, आप प्लीज़ इस तरह से ट्राई करेगा मेरे बनाता हुए कहने से, आप इस तरह से मसाज करिएगा, मेक श्योर आप इस तरह से करेंगे तो आप एक दिन में ही फर्क दिखेगा आपको, आपको जब करते करते ही आपको दिखेगा कि हमारा स्किन पहले से कितना ग्लो हो गया। और फिर मैंने इसको धुला नहीं था, ऐसे टॉवल से इसको साफ कर लिया था। और चलिए मेरा अगला पार्ट है हम लोग का मास्क, मास्क बनाने के लिए जो मैंने मेरा जो बचा था मसाज क्रीम का उसमें ही बना ले रही हूँ मैं, उसको फेंकिएगा मत, उसमें ही बना लीजिएगा। उसमें ही मैंने 2 चम्मच के करीब मुल्तानी मिट्टी डाली है, मुल्तानी मिट्टी का पाउडर। उसके बाद मैं 1 या 1.5 चम्मच के करीब हल्दी डालूंगी, ये कस्तूरी हल्दी है। अब मेक श्योर आप कस्तूरी हल्दी ही डालिएगा, ये किचन वाली हल्दी मत यूज करिएगा, वो इफेक्टिव नहीं होगा किचन वाली हल्दी। अब ये वाली हल्दी मिक्सर डालिएगा। फिर मैंने इसमें नींबू डाला है, और मैं 1 चम्मच एलोवेरा डाल दे रही हूँ उसमें, और मिक्स कर ले रही हूँ अच्छे से। जो मेरा फेस मसाज का बच गया था उसको ही मैंने इसमें मिला के डाल दिया, और अगर दूध डाल के मैंने कच्चा दूध डाल के उसको मिक्स कर लिया। आपके पास गुलाब जल है आप गुलाब जल डाल के यूज़ कर लिए, नहीं तो सादे पानी से भी मिक्स कर सकते हैं। और हम इसको लगा ले रही हूँ, तब तक मैं इसके बेनिफिट को बता देती हूँ। मुल्तानी मिट्टी हमारी स्किन के एक्स्ट्रा ऑयल को निकालता है, हमारे पोर्स को क्लॉग करता है, हमारे दग धब्बों को दूर करता है, हमारे रंग को निखारता है, हमारी स्किन में जो निशान पड़ जाते हैं उसको भरता है, हमारी स्किन को निखारता है, हमारी स्किन को ठंडक देता है। हल्दी में एंटी बैक्टीरिया प्रॉपर्टी होती है जो पिंपल्स को दूर करती है, उसको आने से रोकती है, दग धब्बों को दूर करती है, और हमारी स्किन को ब्राइट बनाती है, निखारती है, ग्लो देती है, डलनेस को दूर करती है। नारियल का तेल हमारी स्किन को ब्राइट बनाएगा, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा, जो रही हमारी स्किन रुकी पड़ जाती है इसको मॉइस्चराइज करता है। और फिर मैंने इसको 10 मिनट तक रख दिया था, 10 मिनट सूखने के बाद मैंने इस तरह से इसको निकाल लिया, फिर पानी से धो लिया था सादे पानी से, और देखिए पहले से मेरी कितनी स्किन ब्राइट हो गई, सारे डलनेस को दूर हो गया। उसके बाद मैंने ये पिक किया था, मैंने इसमें सिर्फ लिपस्टिक लगाई, देखिए कितना ग्लो आया है। इसको आप हफ्ते में 2 बार भी कर सकते हैं, वीकली 2 बार कर सकते हैं, इसका कोई नेचुरल है तो आप 2 बार कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 1 दिन पहले भी कर सकते हैं, 30 जिस दिन है उसके 1 दिन पहले भी आप इसको कर सकते हैं। और हाँ, आप सादे पानी से धोइएगा प्लीज, आप फेस करने के बाद फेस वॉश यूज नहीं करिएगा, और 7 से 8 घंटे तक साबुन और फेस वॉश यूज नहीं करना होता है। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चीज में ढेर सारा एंजॉय करिए और खुश रहिए, हैप्पी रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कोई नेक्स्ट टॉपिक पे, बाय बाय।